हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अंदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताता हूँ जो स्टेयर स्टेप्स होता है उसको, जो इसको जो जीना होता है, जीने वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब के ऊपर जो चढ़ाई होती है कैसे उसको स्टेप चढ़ाए जाते हैं ब्रिक मेसनरी, जो चढ़ाई होती है उसकी सहायता से। तो जो हमारे स्टेयर होता है, जो जीना होता है, उसके जो ये होती है, जो हमारी होती है वेस्ट स्लैब, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, वेस्ट स्लैब डाल देते हैं, इसको बोलते हैं डॉग लेग, जो इस टाइप है डॉग लेग टाइप की स्टेयर है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंक्रीटिंग करने के बाद जो टॉप लेवल होता है, लैंडिंग होती है, इसमें दो सिंगल लैंडिंग होती है और दो फ्लाइट्स होती है, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फ्लाइट, दो फ्लाइट होती है। तो जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग का जो हाइट होती है वो पहले से ऊपर रख दी जाती है, ताकि जितनी हाइट होती है लैंडिंग की उसके हिसाब से, जैसे फर्स्ट लैंडिंग है तो फर्स्ट लैंडिंग की हाइट हमें रखनी है इसी लेवल पर, ठीक है। डिपेंड करता है स्टेप्स की, फर्स्ट लैंडिंग में आपको कितने स्टेप्स रखने हैं, ठीक है। तो हमारी जो लैंडिंग है इसमें 14 स्टेप बनने हैं, तो 14 स्टेप जो आपको फर्स्ट फ्लाइट में रखने हैं, तो सपोज कीजिए आपको फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट टोटल ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक की जो हाइट है आपको 20 फीट है, तो 20 फीट में आपको फर्स्ट लैंडिंग आपको रखनी है 10 फीट या फिर 12 फीट, तो उसी बेस पे आपको स्टेप्स काउंट हो जाएंगे। तो ये इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट है तो इसमें है ये आपके 8 फीट 2 इंची पर, ठीक है। 8 फीट आपका कैसे होगा, फ्लोर से, ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। ये फ्लोर से जो फर्स्ट लैंडिंग है इसका जो टॉप है 8 फुट 2 इंची पर है। उसके बाद इसमें जो स्टेप्स बनेंगे वो किस तरह से चढ़ाते हैं, सबसे पहले जो वहाँ पे करनी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उसका जो लेवल है टॉप लेवल उसका ट्रांसफ़र कर लीजिए फर्स्ट जो यहाँ पे होता है स्टेप इसके सामने, इस पर लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद उससे फिर हाइट मेजर कर लीजिए तो कितनी है। तो ये हाइट जो बननी है, स्टेप्स बनने हैं 8 फुट 2 इंची पर, तो एक स्टेप जो पहले से ही इसमें काउंट हुआ है 7 फीट, जो आपको राइजर एंड ट्रेड रखना है, राइजर जो इसमें रखा हुआ है 7 इंची पर और जो ट्रेड है, ट्रेड रखा हुआ 11 इंची पर, ठीक है। तो 11 इंची पर रखने के बाद हमको रखना है राइजर, राइजर रहेगा ये वाली थिकनेस और ट्रेड रहता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें 7 इंची पर ये रखेंगे 11 इंच और 11 इंची का ये रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप चढ़ाने के लिए सबसे पहले जो रखना है, जैसे लैंडिंग का टॉप है, लैंडिंग टॉप पे ये 11वां स्टेप है, सॉरी ये 14वां स्टेप है, ये आपका 14वां स्टेप है, तो एक थर्ड लैंडिंग पे आ जाता है। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। वो सॉरी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं अभी, और थ्योरेटिकली समझा दूंगा कैसे निकालते हैं, वो वीडियो में काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ मैं। इसमें क्या करते हैं, जो टॉप लेवल है वो ट्रांसफर कर लेना यहाँ पे वाटर लेवल साथ मार्क करने के बाद, जैसे कि 13वां स्टेप है वो आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि 12 स्टेप है, 13 स्टेप है, तो 13 इंटू 7 इंची, तो 91 इंची पर आपके पहला स्टेप है, इसको लेवल कर लेना है हाइट पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेवल करने के बाद दोनों लेवल कर लेना वाटर लेवल से, ताकि ये पैरेलल पे रहे, दोनों वाटर लेवल में रहे पहला स्टेप। तो वाटर लेवल की सहायता से, वाटर लेवल रहेगा इसकी सहायता से ये आपको टॉप लेवल मिला देना है। उसके बाद आपको फिर ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको मेजर करना है यहाँ से चौके से, जितनी चौकी ये रहती है वहाँ से ये डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है। तो मेजरिंग टेप से आप 11 इंची पे ये रखेंगे, 11 इंची का जो ट्रेड होता है T4, ठीक है, ये ट्रेड हो जाएगा 11 इंची पे, और डिपेंड करता है आपके ड्राइंग के ऊपर या फिर लोकेशन के ऊपर स्टेयर केस की, कि कितना आपको जिस डिस्टेंस आपके स्टेयर केस के अंदर 10 इंची रखना चाहते हैं, 9 इंची रखना चाहते हैं, जितना भी स्टेयर केस के स्पेस होता है उसके बेस पे डिजाइन किया जाता है कि हाइट या राइजर कितना लेना आपको। तो इसमें हाइट राइजर 7 इंची राइजर है और 11 इंची ट्रेड्स है, उसके हिसाब से डिस्टेंस आपको चाहिए होता है कि चौकी का जो चौकी का डिस्टेंस है यहाँ से कितना लेना है, फिर यहाँ से आपको चौकी कितनी लेनी है, ठीक है। चौकी बोलते हैं लैंडिंग को, तो इस तरह से स्टेप चलते हुए चले जाएंगे, जो लास्ट स्टेप आपको वहाँ पर मिल जाएगा लैंडिंग के ऊपर, लास्ट स्टेप आपको लैंडिंग में मिल जाएगा, तो टोटल स्टेप बनेंगे 13 और प्लस 11वां स्टेप हो जाएगा लैंडिंग के ऊपर। तो इस तरह से स्टेप चढ़ाए दिए जाते हैं। तो कुछ बेसिकली जो पॉइंट है मैंने आपसे, उसके बाद आपको जो हाइट होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना लेना है, जो भी आपको इनिशियल में रखना है वो आपको फाइनल में रखना है। जैसे कि आपने वाल है, वाल से मेजर किया यहाँ पे 5 फीट, जो इतना 5 फीट पे अगर आपकी लैंडिंग की चौड़ाई 5 फीट है या 3 फीट है, तो वो चौड़ाई रखने के बाद वही आपको लास्ट में रख देना है, ठीक है, लास्ट में भी आपको रख देना है डिस्टेंस। उसी आपसे क्या होगा, जो दूरी है 5 फीट की, वो अलाइनमेंट जो डिस्टेंस है वो साइड वाला, वो अलाइनमेंट में चलता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, ये तो प्रैक्टिकली आपको बता दिया मैंने, थ्योरेटिकली बता देता हूँ किस तरह से आपको अड्डे चढ़ा दिए जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेचर है, हेडर कोर्स जो होता है, ये जो स्टेप सबसे पहले क्या लगाया जाता है, स्ट्रेचर कोर्स लगाया जाता है। स्ट्रेचर कोर्स लगाने के बाद जैसे कि कैंडा बना लेते हैं, जैसे कि आपका जो
फ्रेड्स होता है 11 इंची पे, तो कैंडा बना लेते हैं सी के साथ या कोई भी आपको, ताकि मेजरमेंट से बार बार ना निकालना पड़े। सबसे पहले स्ट्रेचर कोर्स लगाया जाता है, उसके बाद ये हेडर कोर्स, ये ऊपर ये बोलते हैं इसको हेडर कोर्स, जो बीच में ये बोलते हैं इसको क्लीन क्लोजर। तो मसाला रखने के बाद भी ईंट भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता लग जाता है ना मसाले फाटी ना ही। अब तो ऐसा ऐसा मसाला रख के लगे तो लगा लेना